वेलकम गाइस, दिस इज ड्यूड फ्रॉम पार्क बैक एंड विद माय अनदर वीडियो अनदर आई मीन मेरा मतलब सेकंड मैच की वीडियो में मैं आ गया हूँ। तो इनका सेकंड मैच अब स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये एक दिन में दो मैच करते हैं, तो सेकंड मैच इनका स्टार्ट हो रहा है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि मैच स्टार्ट हो चुका है, सो हम नीचे जाते हैं। ओ प्लेन जा रहा है, क्या एनिमेशन नज़र आई है भाई। तो हम इसी के साथ उतरेंगे। टीम फाइव का बंदा है ये, और ये क्या और टीम कोई नहीं आई उतरने वाली। अच्छा, सारे अपनी अपनी जगह पर जा रहे हैं। यहाँ पर आई थिंक उतरते हैं, यहाँ पर मुकाबला हो जाएगा टीम SKT। सारी टीमें फैल चुकी हैं। तीन सौ बीस की तरफ जाते हैं, 320, और ये अभी उतर रहे हैं। ऑफलाइन तो नहीं है भैया, तेज तेज उतरो। और यहाँ पर फाइट तो शुरू हो चुकी है, ये अभी उतरे नहीं है, यहाँ फाइट शुरू हो चुकी है। यहाँ पर फाइट टीम SKT का एक बंदा नॉक हो चुका है, यहाँ पर टीम SKT और टीम KGX के दरमियान में लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है। टीम SKT का एक बंदा नॉक। मेरी गेम लोड नहीं हो रही है, मैं आपको पहले ही बता दूँ, कोई बंदा प्लीज माइंड ना करे। और ये रेतीले मैदान में जंग चल रही है, जंग, और टीम SKT के बंदे ऊपर पहुंच चुके हैं, टीम KGX के बंदे नीचे हैं। और ये टीम SKT और टीम KGX के दरमियान में एक बहुत अच्छी लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है। और ये टीम SKT का एक बंदा मर चुका है, टीम SKT के दो बंदे मर चुके हैं, टीम SKT फिनिश्ड। तो अब हम टीम 320 की तरफ जाते हैं। 320 कहाँ है? टीम डार्क क्या कर रही है? टीम 320 किंग की तरफ जाते हैं, जिनको हम सॉरी भी बोलते हैं कि हम आपको पिछले मैच में नहीं दिखा सके। आई एम वेरी सॉरी सर, बट आप जल्दी मर चुके थे, मतलब आपकी टीम जल्दी फिनिश हो चुकी थी, तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता। आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैंने बस थोड़ा सा सीन आपको दिखाया था। और ये तो फिलहाल लूट ही कर रहे हैं। ये देखें, ये तो खुला खुला लूट कर रहे हैं, इनको तो किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, ना इनके करीब कोई एनिमी है। तो जो यहाँ पर लड़ाई फ़िलहाल कहाँ हो रही है, देखते हैं कहाँ लड़ाई। और यहाँ पर लड़ाई नहीं हो रही, सारी टीमें एक दूसरे से दूर हैं, सारी टीमें एक दूसरे से दूर हैं, कहीं भी लड़ाई नहीं चल रही। तो हम मैप ही देख लेते हैं। आई थिंक यहाँ पर टीम अल्फा और इसके दरमियान में कुछ होएगा, और यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। और ये टीम नियॉन काफ़ी तेज़ी से, और यहाँ पर ड्रॉप आ रहा है, ड्रॉप पर ज़रूर लड़ाई होगी। चलो ड्रॉप को स्पेक्टेट करें। ये ड्रॉप किसने मंगवाया है? एयर ड्रॉप मंगवाया गया है। हम दोनों साथ साथ जाएंगे नीचे। चल छोड़ो, मैं पहले ही चले जाता हूँ। नीचे कोई है ही नहीं, एक बस टीम KGX है लूटने के लिए, वो लूटेंगे। क्या कोई और टीम आएगी इस ड्रॉप को लूटने के लिए या नहीं?
यहाँ पर एक ड्रॉप मंगाया गया है। यहाँ पर एक और टीम ड्रॉप की तरफ बढ़ते हुए काफ़ी तेज़ी से, यहाँ से इस तरफ से टीम ड्रॉप की तरफ बढ़ते हुए टीम क्यू बी जेड काफ़ी तेज़ी से ड्रॉप की तरफ बढ़ते हुए टीम के जी एक्स और टीम क्यू बी जेड के दरम्यान में लड़ाई शुरू हो जाएगी। अब आई थिंक टीम के जी एक्स आई मीन टीम क्यू बी जेड जो है ये ड्रॉप की तरफ जाएगी सही, बट टीम दूसरी जो है हमारे पास वो तो मेरे ख्याल से ड्रॉप को लूट चुकी होगी अभी तो। ये टीम बुरी फंसेगी जो ड्रॉप को भी लूट रही है, आई मीन टीम के जी एक्स बहुत बुरा फंसेगी क्योंकि ऊपर हाई ग्राउंड पे टीम क्यू बी जेड और टीम क्यू बी जेड जो है वो वहां से इनको काफी आराम से फिनिश कर सकती है। यहाँ पर ड्रॉप लूट हो चुका है, यहाँ पर सारे अपने अपने मकामात पर बैठ चुके हैं और ये कोई टीम का बंदा यहाँ से निकल चुका है उस तरफ, वहां पर टीम क्यों भी जेड वहाँ पर टीम क्यू बी जेड और टीम के जेक्स के दरमियान में हाथापाई लड़ाई शुरू हो चुकी है। लड़ाई शुरू हो चुकी है टीम साथ साथ लूट भी हो रही है, साथ लड़ाई हो रही है। टीम के जेक्स अपने मेंबर्स को यहाँ पर ज़रूर बुलाएगा, टीम के जेक्स का ये मेंबर बंदा, इनके पास ए डब्ल्यू एम, इनके पास है ए डब्ल्यू एम, क्या ये सरवाइव कर पाएंगे या नहीं आइए देखती है, आइए देखें क्या होता है, क्या ये सरवाइव कर पाएंगे या नहीं। वहां से हाई ग्राउंड से टीम इनके बंदे नॉक कर रही है, टीम के जी एक्स अपना रोल प्ले करते हुए, टीम के जी एक्स अपने टीममेट को बहुत ही शानदार तरीके से बचाते हुए रोल प्ले कर रही है। कौन जीतेगा ये मैच, और ये टीम के जी एक्स का एक बंदे की हेल्थ डाउन हो चुकी है। देखिए क्या होता है, टीम के जी एक्स का एक बंदा यहाँ पर मौजूद और ये टीम क्यू बी जेड का एक बंदा नॉक हो चुका है, टीम क्यू बी जेड का एक बंदा नॉक हो चुका है, यहाँ पर स्मोक हो चुका है और वहाँ से तीसरी टीम भी एंटर होते हुए, टीम एन एफ एंटर होते हुए टीम फाइव, यहाँ पर लड़ाई चल रही है टीम के जी एक्स और टीम क्यू बी जेड के दरमियान। यहाँ पर लड़ाई हो रही है बट टीम क्यू बी जेड अपने कवर में है, टीम 19 अपने कवर में है, टीम के जी एक्स और टीम पर्पल वाली जो टीम है इनके दरमियान लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है। टीम क्यू बी जेड टीम के जी एक्स बुरी तरह फंस चुकी है, टीम के जी एक्स के दो मेंबर यहाँ और दो मेंबर वहाँ, वहाँ से टीम एनसीआर जो है ये हमला कर सकती है, अब करेगी ये नहीं करेगी ये हमें नहीं पता।
वो फिलहाल पहाड़ों पे है, टीम के एजेक्स यहाँ पर, टीम के विजेट यहाँ पर, टीम के विजेट के 3 बंदे, टीम के एजेक्स के 4 बंदे। क्या टीम के विजेट सरवाइव कर पाएगी या नहीं? सो यहाँ पर टीम के एजेक्स के एक बंदे को डैमेज पहुँचाया गया, टीम के विजेट कवर में रहते हुए, और ये टीम के विजेट को काफ़ी ज़ोर से लग गई हेडशॉट। टीम के जेक्स काफ़ी अच्छा खेलते हुए, टीम के विजेट रश करते हुए, और ये टीम के विजेट ने टीम के जेक्स का बंदा नॉक किया। टीम के जेक्स ने टीम के विजेट का बंदा फिनिश कर चुकी है। यहाँ पर बहुत अच्छा मैच चल चुका हो रहा है, और ये टीम क्यू बी जेड के दूसरा बंदा भी नॉक हो चुका है। वहाँ पर टीम के जेक्स का एक बंदा नॉक, बट टीम के जेक्स से दूसरे मेंबर वहाँ नहीं पहुँच सकते, क्योंकि ना ये बंदा यहाँ से जा सकता, क्योंकि टीम क्यू बी जेड दरमियान में फासला बनी हुई है। तो क्या ये बंदा रिवाइव हो पाएगा या नहीं, क्या लगता है आपको? कहाँ गया बंदा, कहाँ गया? ये रहा, टीम के जेक्स मुसलसल फायर करते हुए, टीम यहाँ पर भी कोई लड़ाई चल रही है। मैंने कहा ये ना हो ना कि पूरी वीडियो इन दो ही टीमों पे बना के हम ख़त्म कर दें। यहाँ पर टीम अल्फा का एक बंदा नॉक पड़ा हुआ है। ये लड़ाई है टीम अल्फा और टीम एनसीआर के दरमियान में। टीम अल्फा का सिंगल बंदा, टीम एनसीआर का भी एक ही बंदा यहाँ पर नज़र आ रहा है फिलहाल। टीम अल्फा के दो बंदे, अल्फा आ रहा है, ओडो आ रहा है, ठीक है ना, ये कंपेंग हो रहा है जी के। ये पश्तो बोल रहे हैं लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। अगर मुझे समझ आती तो मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूँ। क्या जीतेगी टीम एनसीआर जीतेगी या टीम अल्फा जीतेगी? टीम अल्फा के इस बंदे की क्या कहते हैं यार, हेल्थ बहुत कम है। हेल्थ यार, एक तो मैं कमेंट्री करते हुए भूल जाता हूँ दरमियान में, ये बड़ा मसला है। सो टीम अल्फा टीम एनसीआर को कंफ्यूज करने के लिए साइड पे स्मोक करके रश करते हुए, कौन सी टीम जीतेगी, टीम एनसीआर या फिर टीम अल्फा? टीम अल्फा के तीनों मेंबर के साथ, और ये टीम अल्फा का एक और मेंबर नॉक, टीम अल्फा इस तरफ से भी, और ये टीम एनसीआर फिनिश्ड। वेल प्लेड टीम एनसीआर, वेल प्लेड, बट टीम अल्फा के बंदे ज़्यादा थे, सो इस वजह से टीम अल्फा वॉन द मैच फिलहाल। और यहाँ पर अब लड़ाई हो रही होगी टीम 9-11, देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी टीमें हैं। यहाँ पर टीम 9-11, टीम एवीजी, और टीम डार्क, तीन टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। टीम 9-11, एवीजी और टीम डार्क, तीनों टीमें थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर हैं। यहाँ पर आई थिंक लड़ाई हो रही है, अपने हक के लिए लड़ा जा रहा है। कौन जीतेगा ये मैच? और टीम 320 को रैंक, टीम 320 को जोन के अंदर पुश करने के लिए अंदर आना बहुत ज़रूरी है। जोन के अंदर है टीम, ये कौन सी है जो भी है, और ये टीम मार चुकी है, और जोन टीम्स को पीछे छोड़ते हुए टीम 320 भी जोन के अंदर है। टीम 320 जोन से निकलने की कोशिश में, बट जोन टीम 320 से ज़्यादा तेज़ भाग रहा है। टीम 320 भी भाग रही है, टीम 320 से ज़्यादा, और तुम लोगों ने इसको नॉक किया, फिनिश ही नहीं किया, बट वो फिनिश हो गया। यार ये कुछ अच्छी बातें नहीं कर रहे, सो हम इसको माइनस स्पेक्टेट नहीं करेंगे, आप खुद देख लें भाई। ऐसी बातें फिर यूट्यूब पे हम नहीं डाल सकते, फिर यूट्यूब हम पर जो है ना कोई बंदा अगर रिपोर्ट कर देता है फिर हमारी, कि यार सही कंटेंट नहीं है, फिर आप कहते हैं 320 को आप। यहाँ पर लड़ाई चल चल रही है टीम
टीम डार्क और टीम ये ब्लू वाली जो है टीम, यार कितनी टीम एवीजी और टीम डार्क के दरमियान में लड़ाई चल रही है। टीम डार्क का एक बंदा नॉक हो चुका है, क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? टीम डार्क के बंदे को रिवाइव दिया जा रहा है, टीम डार्क के ये बंदा कवर में बैठे हुए साथ एम करके बैठा हुआ है। टीम एवीजी को भी पता है टीम डार्क के बंदे कहाँ कहाँ पर हैं, और हमें भी पता है कि बंदे कहाँ कहाँ पर हैं। टीम एवीजी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए, टीम एवीजी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए कवर में आगे बढ़ते हुए टीम डार्क की तरफ, और टीम डार्क यहाँ से जाते हुए दिखाई दे रही है। टीम डार्क का स्ट्रेंज जो है ये यहाँ पर काफ़ी देर से रुका हुआ है, कहीं ऑफलाइन तो नहीं हो गया, इसको निकलने का यहाँ से मौका नहीं मिल रहा। टीम 320 के एक बंदा नॉक हुआ हुआ है, और टीम 320 का एक बंदा फिनिश्ड। इसको फिनिश किसने किया है? टीम स्टैग, टीम स्टैग ने फिनिश किया है टीम 320 को। यहाँ पर भी लड़ाई स्टार्ट होने वाली है, तीनों टीमें एक दूसरे के करीब पहुंच चुकी हैं। क्या लगता है कौन सी टीम इस बार चिकन डिनर लेकर जाएगी यहाँ से? टीम स्टैग, टीम डार्क और टीम बीटीएक्स और टीम एवीजी, यहाँ पर चार टीमें एक साथ आ चुकी हैं। कौन जीतेगा यह मुकाबला? टीम अल्फा भी उस तरफ से इस तरफ बढ़ते हुए इन टीम के दरमियान में लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है। टीम 320 और पता नहीं दूसरी कौन सी टीम है जो लड़ रही है, टीम अल्फा, टीम अल्फा के मेंबर्स और टीम 320, ये टीम डार्क है। यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से एक बंदे को डैमेज देते हुए क्या टीम अल्फा टीम इस पे चला जाए, इस पे टीम चला जाए, ट्वेंटी पीछे से को, सारा रोड तोड़ दो, इधर आने दो बंदों को भी। टीम क्या टीम अल्फा टीम 320 को फिनिश कर सकेगी या नहीं? सारा ओपन है, फ्री खेल रहे हैं, जो रहेगा इस वक्त गेम में सिर्फ पांच टीमें रह चुकी हैं। टीम 320 की टाइगर नॉक हो चुके हैं, टीम 320 का सिर्फ सिंगल बंदा जिंदा है जिसको, और ये टीम 320 के टाइगर और टीम 320 इज फिनिश्ड बाय टीम अल्फा। यहाँ पर लड़ाई हो रही होगी, अब सारे सर्कल में जाएंगे और इन दोनों टीमों को सर्कल में, इन दोनों में से कौन सी टीम सर्कल में आएगी? क्या लगता है कौन सी टीम इन दोनों में से सर्कल में आएगी? टीम डार्क या फिर टीम AS7?
एंड पे, एंड पे किसने टीम डार्क और टीम ए सेवन दोनों ही कैंपिंग करते किटने? हुए। एक बंदे को किटन दे दो, सारी किटें एक बंदा रखे, सिर्फ अपने पास एक किट रखी। जा पैंथर स्ट्रेट जोन में, जा स्ट्रेट जोन में, जा यहाँ पे जाके लेट जी किसी पर। सो ये टीम एस सेवन की प्लानिंग हो रही है। जा जा हल्का हल्का आगे जाता जा, नहीं नहीं जा जा, तूने भी जाना आगे, हल्का हल्का जा। यहाँ पर चार दोनों टीमों के दरमियान में फायरिंग स्टार्ट हो चुकी है, चारों टीमों के दरमियान में फायरिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ सारी टीमें जोन के अंदर आते हुए, जोन के अंदर सर्कल में सारी टीमें पहुंच चुकी हैं। राइट पे जाना, लेफ्ट पे क्यों मरने जा रहा है? इतना राइट नहीं जाना, राइट पे मतलब सीधा जाना है उधर, जहाँ से तू जा रहा था लेफ्ट पे। जा पैंथर तक जा। टीम अल्फा खेलते हुए टीम स्टैक का बना नॉक। जा जा ऊपर से क्लास रेंडर थी, मर जाओगे दोनों। अंदर नेट करा दे एक चैक में। टीम पैंथर टीम डार्क चला के जैसे, चला पैंथर जैसे, जाके वन वी डरते वन हुए लेके दिया है तो। आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पर काफी अच्छी लड़ाई चढ़ते हुए सारी टीमें एक दूसरे को से लड़ रही हैं। लेटर है, छोड़ टीम दे अल्फा गेम और पे, टीम स्मोक एवी सेवन एक दूसरे के छोड़ आमने दे, सामने फाइट हैं। दे, सबको और छोड़ ये दे, टीम अल्फा छोड़ दे और सबको छोड़ दे, लेफ्ट पे हो जा, लेफ्ट पे हो जा, अपने टीम लेफ्ट पे हो डार्क जा, पैंथर, ये टीम डार्क पैंथर की ब्रश लेफ्ट कर लेफ्ट दी तो गई है। बस। अब इनके शैक वालों पे स्मोक कर, शैक वालों पे स्मोक कर। आगे 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 यार आगे, चल बस छोड़ दे, और ये मोलिफ टीम ये डार्क। जोन के बाहर से आएंगे, राइट पे देख इनको, यहाँ से सबको छोड़ दे, वहां से मरेगा तो मरेगा, अब इनको देखना बस तूने। डार्क पैंथर के ऊपर ये मोलिफ करते हुए टीम डार्क पैंथर, डार्क पैंथर ने भी इन पर फायर कर देख दिया। देख उधर छोड़ दे, लेफ्ट पे बस, लेफ्ट का तो कुछ नहीं कर सकता, और ये यहाँ टीम मर गया, स्टैक मर इतने दूर गया। से कैसे मार सकती है इसको? और ये यहाँ टीम इनकी फाइट स्टैक हो के गई है, बने जहाँ पे नॉक। जा, टीम डार्क का सिर्फ टीम पैंथर अलाइव, हर टीम के टीम, अंदर से ले ले, मार मार मार, और ये साइड टीम किटे लगा, इसी किटे उठा, सारी किटे एस उठा, किटे सेवन लगा, भी फुल बूस्ट कर, किटे लगा, सारी फिनिश होते हुए किटे उठा। अब 1v2 हो चुका है। टीम स्टैक का एक बंदा नॉक, टीम स्टैक का एक बंदा जिंदा है, और टीम डार्क का लास्ट छोड़ पैंथर दे ऑटो जिंदा पे, है। पोक कर हु देना, विल किटे विन? लगा, सिर्फ टीम स्टैक और टीम डार्क विल विन? हु विल विन? छोड़ दे, गन पीछे रख, गन पीछे रख, किटे लगा, टैप टैप करता रह, किट पे किट लगा ना, यहाँ पे डिले शो हो रही है, लगाता रह, किटे लगाता रह। और टीम इंसेंट जोन के अंदर आ चुकी है, आई मीन टीम स्टैक अपने बंदे को रिवाइव करते हुए। यहाँ पर टीम डार्क पैंथर फर्स्ट एड किट फुगा इस्तेमाल भाई, करते हेलो, हुए। आपको आपको स्ट्रीम नहीं करनी आती फुगा भाई? फुगे को नहीं करनी आती ना, मुझे तो आती है। यार बहुत बहुत अच्छी स्ट्रीम करते हो यार, बहुत अच्छी स्ट्रीम करते, उसको कह रहे। और यहाँ पर सिर्फ दो बंदे अराइव, क्या डार्क पैंथर जोन के अंदर आ सकेगा या नहीं? और डार्क पैंथर जोन की वजह से मरते हुए, और मैच हैज एंडेड। ये मैच टीम स्टैक के लिए काफ़ी आसान था जीतना। एंड गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।